वेलकम बैक टू द चैनल रेनू ठाकुर व्लॉग्स। तो भाई आज मेरे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि आज मेरे साथ फनी मोमेंट इतना हुआ। मैं अभी नहा के आई हूँ और ये है मेरा लुक। अब हम जाएंगे शॉपिंग करने, मतलब शॉपिंग तो कल पापा कर आए थे, जस्ट आज हम बस चेंज करवाने जाएंगे क्योंकि मेरे कपड़े टाइट थे, मतलब कपड़े नहीं सॉरी एक लोवर लेके आए थे पापा टाइट्स, वो टाइट था थोड़ा सा, तो उसको चेंज करवाने जाना है। आज पापा ने ना मेरे साथ मतलब इतना फनी मोमेंट्स है। पापा ने क्या किया, मैं आज वॉश कर रही थी कपड़े, तो वॉशिंग एरिया में जैसे वॉशिंग मशीन रखी हुई है वहाँ पे, मैं नीचे दिखा दूँगी कहाँ पे रखी रहती है, अंदर है मतलब वो, तो वहाँ से दिखता नहीं है। जैसे अंदर अगर कोई होता है तो कैमरा नहीं है उसके आसपास, वहाँ पे तो है लेकिन उसके अंदर नहीं है। तो पापा ने आज मेरी वॉशिंग मशीन बाहर रखवा दी, क्यों, कहीं मेरे करंट लग जाए और पता ना चले, मतलब कैमरे के आगे बेटा भी हाथ धो कपड़े। फिर उसके बाद पापा बहुत ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर ठीक हो गए, कपड़े धुल गए, फिर मैं ऊपर आई नहाने, तो अभी पापा का फ़ोन आता है। मैं नहा ली थी क्या रहा है कि बेटा ये बता गीज़र ऑन करके नहाती है गीज़र ऑफ करके नहाती है, कहीं मैं गीज़र ऑन करके नहाती हूँ और मेरे करंट लग जाए। ओ माय गॉड। तो अब चलते हैं पापा के पास और पापा से ही पूछेंगे पापा क्या चल रहा है दिमाग में। तो गाइस अब चलते हैं नीचे। पापा हो रहे बीमार नहीं हो रहे, आज पापा को ठंड लग रही है कुछ ज्यादा। पापा क्या हो रहा है बताओ आपके साथ? मेरे कोई ओपरा पराया हो गया मेरे। ओपरा पराया? अच्छा ओपरा पराया आप साथ हो रहा है, फिर आप मेरे पास फोन करते हो बेटा गीजर ऑन करके ना रही है बंद करके। मेरे टेंशन हो गया कभी करंट लगवा वाले। पापा ने आज सुबह से ही मेरी टेंशन ले रखी है कभी मेरे कुछ हो जाए। मिसाल मेरी सेवा करो, मैं पांच दाम दवा थोड़ी देर गया भी साथ यही है पापा। चलो पापा जो निकला जिंदगी में कोई सेवा मैं करूंगी अपने पापा की सेवा। खड़े हो ले रहे कदे कदे। चलो पैर दबाओ पापा के। वीर की तरह कर रहे हो। तो गाइस हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, देखा तो खुशहाल आ गया हमारा, मेरा सीधा दिन दिवाली का। और अब हम इसको लेके जा रहे हैं शॉपिंग करने। खुशहाल डांगर को सब्सक्राइब करें, ब्लैक बीच 2626 को सब्सक्राइब करें, ठाकरान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब जा रहे हैं हम अपनी शॉपिंग करके आएंगे, और जो कपड़े जैसे मेरे टाइट थे जो पापा लेके आए थे उन्हें एक्सचेंज करवा के ला रहे हैं। एक पजामी बदलवाने जा रहा हूं, कपड़े ले आए थे कितने कपड़े उन नजरा की और एक पजामी बदल। हां तो एक तो ही नहीं उस अलग अलग तो वो हल्की अनकंफर्टेबल सी, अगर देख लेंगे थोड़ा साइज चेंज तो करवा लेंगे, नहीं वो ठीक है ले लियो ले ली। तो गाइस चलते हैं। गाइस ये आ गए हम अपने नाइकी के शोरूम में, अब यहां पे करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, लेते हैं अपना सामान फिर चलते हैं। ये कल तो ले गए थे शेकर, खुशहाल लेगा क्या? हम दो शेकर गए हमारे कल। तो गाइस कर लेते हैं थोड़ी शॉपिंग फिर मिलते हैं। तो गाइस हम ले आए अपना चेंज करवा के, लेकिन जो दो दो थी ना टाइट की उनमें एक में तो मिला ही नहीं साइज, मैं चलो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। गाइस वो ना इतना ज़्यादा टाइट नहीं था, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, बट हो जाएगा काम उसमें, उसमें साइज मिला भी नहीं, मैं चलो ये थोड़ा वजन घटाना पड़ेगा। हाँ मतलब एक दो किलो पहले, इतना वजन नहीं घटाना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा बस, उसमें ही सेट हो जाएगा वो, और उसमें हम साइज ले आए। तो अब चलते हैं आगे। शीतला माता मंदिर है भाई इस तरफ, कितनी ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक हो रहा है पूरा। ओ मामा बेटू का प्यार हो रहा है भाई। फिर किसी कर दे मेरे। मुंह बड़ा गया। अम्मा मार दी इसको। वीर की फॉर्च्यूनर की चाबी नहीं दिखाई आपने? वीर की फॉर्च्यूनर की चाबी दोनों तरफ से डार्क डार्क। फिर किसी कर दे इसके। नहीं करेगा अपनी जीप में लगाता है तू। गाइस आज फिर से हमने मंगाया करेबियन पिज़्ज़ा पे से, गार्लिक ब्रेड आया पापा का, खुशहाल वजह से आया है। कैसे? ये मैं रोटी बना रही।
हाँ खुशाल को लगता है कि हमारे घर पे खाना नहीं बनता, वो ये सोचता है कि बाहर से ही खाते हैं मंगा के, तो हमने फिर मंगा लिया। वैसे मैंने गाइस देखो रोटी बना रही थी मैं, मैंने सब्जी बना रखी आलू शिमला मिर्च, और यहाँ पे ये मैंने अपना एक बर्गर मंगाया है, और ये पापा का ग्रिल्ड सैंडविच है, और पापा का मन कर रहा था फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो इसमें पापा के लिए फ्रेंच फ्राइज आए हैं, और इसमें इनका पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड है। तो मैं सबको सर्व कर देती हूँ, फिर मिलते हैं सर्व करके, मतलब मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। छोड़ दू, नहीं छोड़ना नहीं है, डरा देगा तू जाके, नहीं वो डर जाएगी राधा, डर जाएगी। आराम से पिएगी, बोल राधा पी ले, आधा पी लो। अच्छा ये बताओ शामा कहाँ है, कहाँ शामा कहाँ है, गोरी देख गोरी उधर, हाँ गोरी कहाँ है, अच्छा गोरी गोरी दिख गई, उठा ले वीडू, क्या कर रही है राधा, क्या हो क्यों चुप, आराम से चढ़पाई करो राधा को, बाय राधा फिर से आएंगे, अब दादू पास जाएंगे।